नया साल नया जीवन ये सो के संग संग, नया साल नया जीवन मसीह के संग। गिर जा जाए के प्रभु की गुणगान करो, नया साल नया जीवन ये सो के संग संग, नया साल पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पुत्रात्मा का सच्चौर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए साल में, नए साल की शुरुआत हम ईश्वर की आशीष और कृपा से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष 2023 में पिता ईश्वर ने हम सबको स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा, हम सबको बहुत सारे आशीष कृपाएं हम सबको बरसाई, हम सबको सुरक्षित रखा और इस नए साल में फिर से हमें प्रवेश करने के लिए एक अवसर, एक मौका दे रहे हैं, हमें देते हैं। उन सभी कृपादानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब पुरोहितों द्वारा यहूदियों को दिया जाने वाला आशीर्वाद पढ़कर सुनाया जाएगा। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27। पाठ का मूल वाक्य है, वे इसराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कहो, तुम इसराइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रहे, प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे, प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इसराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है।
कि मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। हम मरियम के साथ ईश्वर की कृपा पर श्रद्धा पूर्वक विचार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय दो पद संख्या 16-21 तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब आठवें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधारण के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का सुसमाचार है। नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और इस नए वर्ष की शुरुआत हम इस पवित्र मिसाज से कर रहे हैं और हम सब की इच्छा है, हम सबका विश्वास है कि जब हम ईश्वर के साथ में नए साल की शुरुआत करेंगे तो ईश्वर हम सबको अपने आशीष और कृपा से पूरे साल हम सबके जीवन में भर देगा। और वही विश्वास के साथ में हम सभी कोई इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं और आज प्रभु यीशु मसीह सचमुच हम सबके लिए अपनी आशीष और कृपा बरसाएंगे। कार्य प्रारंभ पूर्ण होते हैं। आज हम ईश्वर के पवित्र माता के महोत्सव पर आनंद विभोर हो उठे हैं। जिस तरह हम तेरी कृपा के शुभारंभ में तेरी महिमा करते हैं उसी तरह एक दूसरे के पूर्णतम आनंद मना सके यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे यह उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुमारी मरियम की स्तुति मनाते हैं
और इन्हें के सादृश्य कृत हृदय से तेरी दया तब खान करे। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी और उनके द्वारा हमारे मुक्ति के प्रवाह तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को हमें प्रदान किया, इन्हीं ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गदूतों के सेनाओं से तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरे स्तुति गान करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो ये लोग खाड़ों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा समेत पिले सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन रक्त का, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में यह किया करो। यो हे मां के और मासे नंज का कोहानाला संगे पारो के मानो सुसुके इसलिए हे प्रभु हम ख्रीस्त के मित्र प्रथान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माधर थियोडोरस क्रेनस और सभी आत्मों के साथ विश्वभर में पहले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। ये अंतरिक्त में ईश्वर की महिमा एक साथ जोर से गाकर करें। इन्हें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हें के साथ इन्हें
ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान योगान योग तेरा ही है। प्रार्थना करते सभी बुराई समय बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दहला पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और देव की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता ही सुख रहे विरा कर हमारे धन्य आशा पूरे करेंगे। क्योंकि तेरा राम तेरे महिमा अनंत तक बने रहते हैं। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट तूने अपने प्रेतों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर ने अपने कलेशक विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। आंखों से देखिए ईश्वर का मेमना हम सबके मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट जो हम सबके पाप को हर लेते हैं हम सबको आशीर्वाद और हम सबकी सुरक्षा करते हैं। धन्य है हम सब इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। संस्कार आनंद पूर्वक ग्रहण किया है तेरे कृपा से हमें आनंद जीवन के मार्ग पर अग्रसर करे। क्योंकि हम सहज घोषित करते कि नित्य कुमारी धन्य मरियम तेरे पुत्र की जननी और कलेश्य की माता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। समारोह ही विशेष आशीष है इसलिए सभी को आशीष पाने के लिए सिर झुकाएं। हम सभी पुरोहितगण अपना हाथ आगे बढ़ाएं। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुमारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया है वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुमारी के द्वारा आप लोगों के जीवन के अधिपति प्राप्त हुए हैं उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोगों को सदा सर्वदा करते रहे। आमीन।
आप लोग भक्ति भावना से भरकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद स्वर्गीय पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सशक्तिमानेश्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप सब पुत्र आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग भी जाने प्रभु के शांति साथ रहे। परमेश्वर को हाँ, तो विसर्जन गाना से पहले सूचना सुन लेंगे, कहे कि भाग जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। दिनांक 5/1/2024 दिन शुक्रवार, दिव्य प्रकाश आराधनालय रामपुर।